हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ अक्षय श्रीवास्तव। दोस्तों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से फ्रिक्शन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का माध्यम भारत स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है। और भारत स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करने से हमारा दो फायदा होगा। पहली बात तो हम एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो भारत स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को कवर कर पाने में सक्षम होंगे। दिक्कत ये है कि भारत स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका मोड इंग्लिश है। तो इस वीडियो को देखने के माध्यम से आपको विश्वास है कि जो इंग्लिश की चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, अगर आप समझना चाहेंगे तो पूरी तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। दूसरी बात, हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से फ्रिक्शन के और भी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जिससे यदि भारत स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से अदर क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसको ठीक प्रकार से कर पाने में सक्षम हो पाए। देखिए, चीजें इतनी कठिन नहीं है और चीजें इतनी आसान भी नहीं है, बट एक बार जब आप ठीक प्रकार से स्टडी करेंगे, ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, तो हमारे सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कोई भी चीजें कठिन नहीं होगी। इसी प्रकार से CITS स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन का टॉपिक दिया हुआ है। तो आप भी अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जो है पूरा पूरा फायदा होने वाला है। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए अब हम शुरुआत करते हैं फ्रिक्शन टॉपिक की। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। कहने का मतलब कौन सा घर्षण का नियम है। देखिए, इसकी हिंदी सीधी है, आप लोग जो है थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश देख के जो घबरा के भाग जाते हैं, मत भागिए। विच माने कौन सा, इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण का कौन सा नियम है। पहला क्या दिया गया है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टेक्टिंग सर्फेसेस। यानी घर्षण बल क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है। यानी क्या है, स्वतंत्र है। तो हाँ भाई, न तो शेप पे डिपेंड करता है और न एरिया पे डिपेंड करता है, ये तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। घर्षण बल विपरीत रूप से समान प्रतिक्रिया के लिए क्या करते हैं, विपरीत रूप से अनुपातिक है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विपरीत रूप से अनुपातिक है, ये गलत है। समानुपातिक है, ना कि विपरीत अनुपातिक है। अभी इस चीज को जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये भी आप लोग जानते हैं गलत है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ना कि सेम डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हो गया, यहाँ पर अपोजिट होना चाहिए था, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सर्फेस, ओ नो, ये भी गलत है। नॉट ए डिपेंडेंट यानी घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये चीज भी आपकी गलत है। संपर्क सतहों की प्रकृति पर जो है घर्षण बल हमेशा जो है आपका निर्भर करता है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है ए वाला, कि इसमें बोला गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टेक्टिंग फोर्स, यानी घर्षण बल क्षेत्र से और संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है। तो हाँ, ये जो आपका सही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आपका ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट वाला जो है यानी स्वतंत्र है, ये वाला टिक आपको करना है। चलिए आइए, इस क्वेश्चन की जब हमने चर्चा की है तो फ्रिक्शन क्या है आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे की चीजों को हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन मीन्स होता है, आप लोग क्या जानते हैं कि फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण। देखिए, हमारे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और CITS स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते रहेंगे तो
आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है और सारे क्वेश्चन जो है आपको यहां से याद होके जाएंगे, ये मेरा विश्वास और उम्मीद है। देखिए आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपके घर अलमारी है या कोई बक्स बक्स है, ठीक है, जिस पर जो है आप क्षैतिज दिशा में उसको चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप उस पर बल लगा रहे हैं, उस पर धक्का लगा रहे हैं। मान लीजिए एक एक छोटा सा आपका संदूक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को क्षैतिज दिशा में मूवमेंट कराने के लिए आप इस पर क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि प्रारंभ में जो क्या होती है, पिंड में गति नहीं होती, और जब पिंड में गति नहीं होगी तो उसमें त्वरण क्या होगा, एक्सिलरेशन क्या होगा, आपको पता है कि शून्य होगा। तो इसका अर्थ है कि अगर हम बल लगा रहे हैं और ये पिंड गतिमान नहीं हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं जो इस पिंड पर क्या हो रहा, एक अतिरिक्त बल लग रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे बल के प्रभाव को क्या कर दे रहा है, निरस्त कर रहा है। देखिए हम यहां पर खड़े हुए हैं, इस तरीके से खड़े होकर जो है हम यहां पर बल लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बल लगा रहे हैं और ये वस्तु गतिमान नहीं हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा बल तो कार्य कर रहा है जो हमारे बल को क्या कर दे रहा है, निरस्त कर दे रहा है, ठीक है। अदरवाइज बल करेंगे तो आपका कार्य होगा, तो लेकिन ये वस्तु गतिमान नहीं हो रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक विपरीत दिशा में कोई ना कोई एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जिसकी वजह से जो है आपकी वस्तु गतिमान नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जो यही बल है जो आपके इस आपके बल के प्रभाव को, जो आपने एफ बल लगाया, इसके प्रभाव को जिस बल ने निरस्त किया, उसी बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, घर्षण बल के नाम से जानते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि पिंड आपकी गति नहीं करेगा, लेकिन जब तक आपका जो ये पिंड है, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो आपका अलमारी हो, चाहे आपका कोई पत्थर हो या कुछ भी हो, एनीबॉडी, अगर जब तक ये पिंड गति नहीं करेगा, तब तक आपका जो घर्षण बल का परिणाम है, जो इसके विपरीत दिशा में आप घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसका परिणाम लगाए गए आपने पिंड पर जो भी बल आरोपित किया है या पिंड पर जो भी बल लगाया है, ठीक है, उस आरोपित बल के परिमाण के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और इसकी दिशा क्या रहती है, आरोपित बल के दिशा की विपरीत दिशा में जो है ये बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये चूंकि आप आरोपित बल लगा रहे हो और आरोपित बल लगाने के कारण क्या हो रहा है, ये वस्तु गति की अवस्था में नहीं पहुंच पा रही, तो इसलिए इस जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, यानी स्थैतिक घर्षण बल। क्या नाम देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बना, अभी आप लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपको एक अच्छा लगेगा कि हाँ हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आप मेरे बिना बताए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो कौन सा बल हो गया, स्थैतिक घर्षण बल। आपने बल लगाया और आपके बल के प्रभाव को जिस बल ने निरस्त किया, वस्तु गतिमान नहीं हुई, तो उस घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने बड़ा बल लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मान भी क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन होता क्या है कि स्थैतिक घर्षण बल का मान शून्य से लेकर, आप कोई बल नहीं लगा रहे हो उस समय स्थैतिक घर्षण बल का मान शून्य है, आपने 1 न्यूटन लगाया, स्थैतिक घर्षण बल का मान 1 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन हो गया, मतलब आपके द्वारा आरोपित बल के बराबर हो जाता है। लेकिन इसका मान 0 से लेकर एक अधिकतम मान तक ही हो सकता है, उस अधिकतम मान के बाद जो है आपका ये बल कार्य करना बंद कर देता है, तब वहां पर वस्तु गतिमान हो जाती है और उस समय पर जो घर्षण बल लगता है उसको हम गत्यात्मक घर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो घर्षण बल, मानिए मान लीजिए कहीं पर आपका 5 न्यूटन के आगे जो है, अगर आपने जैसे 4 न्यूटन लगाया, 4.9 न्यूटन बल लगाया, ठीक है, आपने यहाँ पर 1 न्यूटन बल लगाया, ये वस्तु गतिमान नहीं हुई, आपने 2 न्यूटन बल लगाया, वस्तु गतिमान नहीं हुई, आपने 3 न्यूटन का, भाई 3 न्यूटन आपने लगाया तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या वर्क करने लगा, 3 न्यूटन का। बट जैसे ही आपने 4.9 न्यूटन लगाया तो ये वस्तु गतिमान करने वाली ही है, अब जैसे आप 5 लगा दोगे तो ये वस्तु क्या कर जाएगी, गतिमान हो जाएगी, आपकी वस्तु गति करने लगेगी। तो कहने का मतलब है कि इस घर्षण बल के इस अधिकतम मान को, जिस अधिकतम मान पर वस्तु गति करने लगे या गति करने की स्थिति में आ जाए, उस अधिकतम मान को हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम
जो आपकी वैल्यू होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इस मैक्सिमम बल यानी अधिकतम बल के मान को हम लोग लिमिटिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिमिटिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सीमांत घर्षण के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब क्या किया आपने, आरोपित बल का मान जो है इस अधिकतम मान से और बढ़ा दिए, तब क्या होगा? तो आरोपित जो पिंड है, आपने जिस दिशा में बल आरोपित किया है, ये पिंड क्या हो जाएगा, उसी दिशा में क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है, एक त्वरित गति से क्या हो लगती है, स्लाइड करने लगती है, सरकने लगती है। तो हम इस बल को क्या नाम देते हैं, इस जो इस समय भी क्या होता है, पिंड पर घर्षण बल का मान क्या होता है, काम करता है, लेकिन इस समय पर जो घर्षण बल काम करता है उसका मान नियत होता है, और उस नियत घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, गत्यात्मक घर्षण बल। क्या? इस समय जब पिंड गतिशील होता है, जब पिंड स्लाइडिंग कर रही होती है, उस समय पर जो बल लग रहा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए कई नाम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, उसी को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से, या उसी को हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अगर आपसे बोला जाए तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग गत्यात्मक फ्रिक्शनल घर्षण बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब गत्यात्मक घर्षण बल का मान क्या रहता है, नियत रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मान जो है पिंड की चाल पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। तो यह भी आपको याद रखना है कि गत्यात्मक घर्षण बल का मान क्या रहेगा, नियत रहता है, पहली बात इसके बारे में याद रखना है। और दूसरी बात यह आपको याद रखना है कि यह मान जो है पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है कि 5 मीटर पर सेकंड के, इस चीज पर कभी भी वो डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गत्यात्मक घर्षण बल। आप देखिए दो घर्षण बल आपको मिल गए, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा आपको क्या मिल गया, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मान, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मान स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के मान से क्या होता है, कुछ कम होता है। ये क्या होता है, ये आपका कम होता है। देखिए अगर हम ग्राफ एक ड्रा करें तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा ये मान लीजिए आपका घर्षण फ्रिक्शनल फोर्स आप इस वाई एक्सिस पर प्लाट कर रहे हैं, क्या प्लाट कर रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स प्लाट कर रहे हैं, और इस पर जो है आपने जो बल आरोपित किया है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स को प्लाट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सीधी रेखा को जाएगी, इसको बोलते हैं एफ एस इक्वल टू एफ। यहाँ पर यहां तक जैसे जैसे जो है आप फ्रिक्शनल जितना बल आरोपित करेंगे उतना ही आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तक। अब जैसे यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शनल के अधिकतम मान को यानी आप लिमिटिंग फोर्स यानी सीमांत घर्षण पर जैसे आप पहुंचे, अब इससे ज्यादा जब आप आरोप जब यहां मतलब यहां तक आपने लगाया और जैसे अब ज्यादा करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, इसका मान सीमांत घर्षण से क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, ऐसे कुछ कम होगा और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे नियत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्राफ आता है किसके किसके बीच में, आरोपित बल और घर्षण बल के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे की। दोस्तों आपसे बात किया जाए कि काजेज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के क्या कारण हो सकते हैं, तो आप लोगों के देखिए घर्षण के कारणों में दो प्राचीन मत, दो मत हैं। ठीक है, पहला मत आता है प्राचीन मत और एक मॉडर्न व्यू आता है। देखिए बात करते हैं एक बार, तो काजेज ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, काज ऑफ फ्रिक्शन, काज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर हम घर्षण की बात करें तो यहां पर दो व्यूज हमारे आते हैं, पहला हमारा ओल्ड व्यू और दूसरा हमारा आता है मॉडर्न व्यू। अब बात करते हैं ओल्ड व्यू क्या है, मॉडर्न व्यू क्या है, कि एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं। ओल्ड व्यू हमारा क्या है कि कोई भी वस्तु है, अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है उसको ऑब्जर्व करें, तो वहां पर देखेंगे कि कुछ ना कुछ
इररेगुलरिटीज रहेगी, ठीक है, चाहे वो प्रोजेक्शन के कारण हो या वो आप डिप्रेशन के कारण हो, ठीक है, प्रक्षेपण या गड्ढों के कारण कुछ ना कुछ अनियमितता वहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो जब दो वस्तुएं ऐसे एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो जो आपकी इररेगुलरिटीज रहती है, ऐसे ये पहले वस्तु में और दूसरी वस्तु में जो इररेगुलरिटीज रहती है, इसके कारण से जो क्या हो जाते हैं, वस्तुएं आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती है। यहां पर क्या हो जाती है, इन वस्तुओं की सतहों में क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु पर जो है इस दिशा में जो है आरोपित करते हो, तो ये क्या करती है, इसी के आपको जिस दिशा में धक्का लगा रहे हो उसमें क्या हो जाएगी, जो वस्तु, यह मान लीजिए आपकी ए है, ए की सतह और ये बी की सतह, तो जो बी वाली वस्तु की सतह है वो प्रक्षेपण कर क्या लगाएगा, धक्के के विपरीत दिशा में क्या लगाता है, बल लगाता है। तो ये जो धक्के के विपरीत दिशा में ये जो बी वाला जो है बल लगा रहा है, इसी को हम लोग घर्षण बल के नाम से जानते हैं। ऐसा हमारा क्या है, ये हमारा ओल्ड व्यू है, ठीक है। तो लेकिन ओल्ड व्यू में दिक्कत क्या आई कि अगर चलिए मान लीजिए आपने कहा कि इररेगुलरिटीज है, अगर हम क्या कर दें, संपर्क वाली दोनों सतहों को क्या कर दें, अच्छे से पॉलिश कर दें, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उच्च कोटि की पॉलिश कर दें, तो वहां पर इररेगुलरिटीज कम हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड व्यू में क्या बोला गया कि ड्यू टू इररेगुलरिटीज, तो इररेगुलरिटीज कम हो जाएगी, आप अच्छे से वैक्सीन लगा दीजिए, अच्छे से ग्रीस लगा के जो है पॉलिश कर दीजिए। लेकिन देखा गया कि इस स्थिति में घर्षण बल का मान और बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आप बोलें कि घर्षण बल का जो मान है वो गुथन या इनके बीच में जो इररेगुलरिटीज है वो है, तो इतना कहना आपको पर्याप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है ये इतना पर्याप्त नहीं। लेकिन अगर नवीन अनुसंधानों की बात करें, तो यहां बताया कि नवीन अनुसंधानों में बात किया कि घर्षण बल का जो कारण होता है वो मुख्य संपर्क बिंदुओं पर, यहां पर जो इनका संपर्क बिंदु है, इनके बिंदुओं पर लगने वाले स्थानीय असंजन बल के कारण जो है होता है। ससंजन बल, असंजन बल दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक। तो इन दोनों सतहों के बीच में, ठीक है, लगने वाले स्थानीय असंजन बल के कारण जो है होता है। तो मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि घर्षण बल का मुख्य कारण सतहों के वास्तविक संपर्क बिंदु पर सतहों के परमाणुओं तथा अणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत चुंबकीय बल के कारण होता है। तो ये जो है काजेज ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। आगे आइए और क्वेश्चंस की बात करते हैं, और आगे टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियोज में एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज जो है आप लोग जल्दी उब जाते हैं, ये भी हमें पता है। व्हाट इज द डायरेक्शनल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट इमोशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि किसी गति परक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। कोई वस्तु है जो गतिमान है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट मोशनल, मोशनल का मतलब गतिमान वस्तु की के विरुद्ध, ठीक है, घर्षण बल की दिशा क्या है। इंक्लाइन टू द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के दिशा में, अपोजिट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के विपरीत, पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर, पैरेलल मीन समांतर और परपेंडिकुलर मीन लंबवत। तो आपको क्या लगाना है, हमने तुरंत आपको बताया कि अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी अपोजिट होता है, विपरीत होता है, तो यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टेक्टिंग सर्फेसेस, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के, तो उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, वो आपका होता है कौन सा फोर्स बताइए, तो वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यानी घर्षण बल होता है, ठीक है। एफ एस बराबर आपको समझाया जाएगा, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस एन, ठीक है, और म्यू के एन आपको कल जो है हम कल की वीडियो में इस टॉपिक को जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। Which one of the following acts in between the wheels and roads if vehicles are able to run on roads? यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहिए और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा बल कार्य करता है, फ्रिक्शन का बल, जंग का बल, कोरोजन का मतलब जंग, इरोजन का मतलब टकराव, और मोशन का मतलब गति, तो कौन सा कार्य करता है, तो आपको बताना है घर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, ठीक है, कौन सा उपयोगी
जो है घर्षण है, ठीक है। रिंग्स इन द सिलेंडर, सिलेंडर में छल्ले, क्रैंक शाफ्ट बियरिंग्स, क्रैंक शाफ्ट बियरिंग हो गई, ठीक है। व्हील हब बियरिंग्स, पहिया में जो हब बियरिंग्स होती है, या ब्रेक शू लाइनिंग्स। तो आपको क्या पता होनी चाहिए, जो आपके जूते में जो है लाइनिंग होती है, जो आपके सोल में लाइनिंग होती है, वो किस लिए होती है, क्योंकि जो है आपको एक लेबल का जो है आपको घर्षण बल मिल सके और आपको चलने में क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो यूजफुल फ्रिक्शन क्या है, ब्रेक शो लाइनिंग, और ये सारे जो है आपके कैसे फ्रिक्शन है, ये वेस्टफुल फ्रिक्शन के आपके एग्जांपल हो जाएंगे, चाहे रिंग्स इन द सिलेंडर हो, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग्स हो, या व्हील हब बियरिंग्स हो। आगे बात करते हैं, विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए तो कौन सा बेकार घर्षण है, रियर एक्सल गियर, इसका तो हिंदी वही होगा, टायर्स ऑन द फ्लोर, ब्रेक शो लाइनिंग एंड क्लच लाइनिंग। तो आप अगर बात करिए तो क्लच लाइनिंग भी आपका यूजफुल होता है, इसीलिए लाइनिंग बनाई जाती है। ब्रेक शो लाइनिंग घर्षण बल को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए किया जाता है। टायर्स ऑन द फ्लोर, ठीक है ना, टायर्स में भी जो है आपको बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो रियर एक्सल गियर में जो ये फ्रिक्शन है, ये आपका कैसा है, ये वेस्टफुल फ्रिक्शन का, ठीक है, बेकार घर्षण का जो एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, टाइप ऑफ मीटर्स इस पर डिपेंड नहीं करता, आपको पता होना चाहिए, अभी अभी आपको डिस्कस किया। कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, तो किस पर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्ट सर्फेसेस यानी संपर्क जो बल की कॉन्टेक्ट होते हैं उनकी सतहों पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी पर और ना ही क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन भी गलत, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको कल हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से 5 मिनट में, तो आज आप लोग एक बार जान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। नो, फोर्स एंड एरिया का अगर रेशियो आपको बोल दिया जाएगा तो वो क्या होता है, वो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। इट इज रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर अगर क्या बताया जाए कि यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है, तो हाँ म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ एस अपॉन आर, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द रेशियो बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, गलत है। इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ वेट एंड भार, और नॉर्मल रिएक्शन का भी नहीं होता है, W इक्वल टू आपका क्या होता है, R होता है, भार के विपरीत जो है प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर जो है कार्य करता है। तो यहाँ से B ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी अभी आपको बताया कि μ इक्वल टू क्या होता है, F अपान R, μ इक्वल टू क्या होता है, F अपान R, और R इक्वल टू क्या होता है, R जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, इसको ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए वस्तु है, तो वस्तु पर भार नीचे की ओर बल करता है ना, W बराबर mg, ठीक है, इसके द्रव्यमान के बराबर जो है जब गुणा करेंगे g से, तो भार के बराबर एक बल नीचे की ओर कार्य करता है, और इसी के विपरीत जो है नॉर्मल जो है ऊपर की ओर कार्य करता है लंबवत, तो इसी को n कहते हैं या इसी को r के नाम से जानते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान आर, और r की जगह पर यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे दिया गया, W, क्योंकि आप जानते हैं ना कि n बराबर क्या होता है, W होता है। तो यहाँ से 9 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 नंबर का आपका D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी अभी आप जानते हैं हमने डिनोट किया है, म्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, म्यू इक्वल टू होता है एफ अपान आर, आप नोट कर लेना, एफ अपान एफ एस अपान आर, ठीक है ना, अगर यहाँ पर काइनेटिक हो जाएगा तो एफ के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, तो किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।